नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य हूँ। आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज गॉडफादर फिल्म। जी हाँ दोस्तों, गॉडफादर फिल्म का पोस्टर दिख रहा है। गॉडफादर फिल्म मैंने देख ली है, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों ही बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो फिल्म में जो एंट्री है चिरंजीवी सर की, वो एक नंबर है, बहुत बढ़िया एंट्री है। उसके बाद इंटरवल के पहले जब सलमान खान की एंट्री होती है, तब तो ऐसा लगता है कि मैं खुद सीट से उछला, ऐसा सीटियाँ तालियाँ बजा रहा था और इंजॉय कर रहा था। पब्लिक बहुत ज़्यादा नहीं थी, मैं आपको बता दूँ, फिल्म का प्रमोशन हिंदी बेल्ट में उस तरह से नहीं किया गया, लेकिन फिर भी जितनी पब्लिक थी सब ने इंजॉय किया। और नॉर्मली फिल्म जब स्टार्ट होती है तो हीरो के नाम आते हैं, कैमियोज़ के नाम आते हैं, यहाँ पे सलमान खान का नाम नहीं आया। इंटरवल होने से पहले इंट्रोड्यूसिंग सलमान खान को जिस तरह से जब आया ना सामने, एस मासूम भाई, अरे मतलब उधर ही मतलब पैसा वसूल में तो इंटरवल में ही हो गया। सोचा छोड़ के निकल जाओ, बस हो गया, पीछे इंजॉय कर लिया, खत्म हो गया। लेकिन फिल्म तो उसके बाद शुरू होती है, सेकेंड हाफ में असली फिल्म शुरू होती है। और आपको बताते हुए खुशी है कि सेकेंड हाफ जो इस फिल्म का है वो भी काफ़ी अच्छा है, फर्स्ट हाफ भी अच्छा, लेकिन फर्स्ट हाफ से कंपेयर करो सेकेंड हाफ थोड़ा सा स्ट्रेचेबल लगेगा आपको। अगर ये फिल्म को कम से कम 15 मिनट और एडिट करते तो और मज़ा आता। वरीना हुसैन, आई थिंक उनका ही रोल है ना, राइट, थारमाल जो सॉन्ग है वो बहुत कमाल का है। जब प्रभु देवा, चिरंजीवी सर और सलमान खान एक साथ स्क्रीन पर लास्ट में जब आते हैं ना, ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया चीज़ हम देख नहीं सकते। तो सलमान खान का जो तेलुगु डेब्यू है वो कारगर साबित हुआ है। दो मेगास्टार को साथ में देखना 150-200 रुपये की टिकट में, इससे बेहतर और बढ़िया चीज़ आप क्या लोगे सिनेमा से। नयनतारा जिसी एक्ट्रेस सत्यप्रिया का रोल प्ले किया है, चिरंजीवी गारू ने ब्रह्मा का रोल प्ले किया है, सलमान खान मासूम भाई बने हैं, सत्यदेव जयदेव बने हैं, इसके अलावा जो मुरली शर्मा है वो वर्मा बने हैं। स्टोरी में ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स से इर्द गिर्द जुड़ी हुई स्टोरी है। और मैंने लूसीफर फिल्म नहीं देखी मलयालम की 2019 की, इसलिए मैंने ये फिल्म देखी, शायद मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। जो लोग शायद ओरिजिनल फिल्म देखे उन्हें शायद थोड़ा बहुत 19-20 लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है डायरेक्टर मोहन राजा जो स्क्रीन प्ले राइटर भी है, उन्होंने पूरी मेहनत की है और वो पूरी मेहनत नज़र दिखाई देती है यहाँ पर फिल्म में। और मुझे ऐसा लगता है ऐसी फिल्म जो है वो हिंदी ऑडियंस को पसंद आएगी, हिंदी डबिंग भी ठीक ठाक है और लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी, लोग फिल्म को एक्सेप्ट करेंगे। क्यों एक्सेप्ट करेंगे वो मैं बताता हूँ, फिल्म में इमोशंस भर भर के हैं और वो इमोशन आपको कनेक्ट होगा, डबिंग के बावजूद आपको इमोशनली ये फिल्म कनेक्ट करेगी, इसलिए ये फिल्म आपको देखनी चाहिए। तो मेरी तरफ से मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए यही कहना चाहूँगा, म्यूज़िक बढ़िया है, प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया है, 100 करोड़ के आसपास का बजट है फिल्म का जो उभर कर सामने आता है। और फिल्म में एक्शन सीन्स जो स्लो मोशन शॉट्स है, एक्शन सीन्स है वो बहुत अच्छा है। सलमान खान चिरंजीवी गारू का जो लास्ट में दोनों साथ में मशीन गन उठा के जो फायर करते हैं, उधर तो भाई मतलब जलवा ही हो जाता है, एकदम मज़े आ जाता है। ऐसा लगता है कि रेस थ्री और जो भी फिल्में एक्शन फिल्म सलमान खान की, उन सब फिल्मों की याद ताज़ा करके दे दी है वापस से, टाइगर जिंदा है वगैरह उनकी याद ताज़ा करके दे दी है। तो दशहरे के दिन फेस्टिवल फिल्म है, जाके एंजॉय करो, वन टाइम वॉच है। और लास्टली, अगर मेरा पैसा वसूल हुआ या नहीं, या मैं पैसे खर्च करूँ या नहीं, ऐसे सवाल अगर आपके मन में हो तो ऑफकोर्स आप पैसा वसूल कर सकते हो, एक बार जरूर जाके इसे थिएटर में देख सकते हो, आपका पैसा वसूल ज़रूर होगा। मेरी तरफ से बिना देरी करे मैं रेटिंग देना चाहता हूँ 4 स्टार आउट ऑफ 5, क्योंकि ये मास मसाला फिल्म है और हर तरह की पब्लिक को पसंद आने वाली है। और जाते जाते ये कहूँगा, थार मार थत्तर मार है ना, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। बाय बाय।